हरे कृष्णा फ्रेंड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीपीएन क्रिएटिव माइंड। तो ये देखिए हम बनाने जा रहे हैं 100 लड्डू। तो हमें ये लड्डू किस लिए बनाने हैं, हमें जाना है टेंपल में, वहाँ पर बहुत सारे डिवोटीज आते हैं जिनको खाना सर्व किया जाता है, फूड सर्व किया जाता है। तो हमने सोचा कि हम ये अपनी तरफ से कुछ लेके जाएँ, तो उन सभी डिवोटीज़ के लिए हम जो है ये लड्डू बना के लेकर जाएंगे। तो हमें कम से कम 100 लड्डू बनाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने तिल लिया है और तिल के साथ हम और बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलाएंगे। पहले हम जो है तिल को एकदम लो फ्लेम पर, धीमी आंच पर इसको हम जो है अच्छे से सेक रहे हैं, इस तरह से रोस्ट करेंगे। और जो ये तिल जो है हमारे, ये देखिए कितने, आपको ये थोड़े से ब्लैक ब्लैक से दिख रहे होंगे क्योंकि ये पॉलिश वाले तिल नहीं है, हमने अनपॉलिश तिल लिए हुए हैं। बाज़ार में दोनों तरह के तिल आते हैं, एक पॉलिश वाला आता है, एक अनपॉलिश वाला आता है। पॉलिश वाला थोड़ा सस्ता होता है, अनपॉलिश वाला जो है हल्का सा महंगा होता है। जैसे कि दालें वगैरह भी हम लेते हैं तो उसमें भी दो वैरायटी आती है, एक पॉलिश आती है, एक अनपॉलिश आती है। उसी तरह से हमारा तिल भी है, तो हमने ये अनपॉलिश लिया है। सबसे पहले हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो अभी और भी बहुत सारा तिल है, ये देखिए, तो इतना तिल कढ़ाई के अंदर, ये देखिए यहाँ पूरी परात भर कर रखी हुई है हमने। कढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है कि एक बार में हम सारा रोस्ट कर सकें, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डाल डाल कर उसको रोस्ट करेंगे। बाद में इसमें और बहुत सारी चीज़ें डाली जाएंगी जिनको हम रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम रोस्ट करने वाला काम जो है इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है रोस्ट करते समय कि एकदम धीमी आँच पर इसको रोस्ट करना है, क्योंकि अगर आप तेज़ फ्लेम रखेंगे, आपकी जो सेक अगर तेज़ रहेगी आँच, तो जल्दी से जो है जल जाएंगे और फिर जब आप इनको खाओगे तो इनमें कड़वापन आएगा। तो इसलिए इनको एकदम धीमी आंच पर ही इस तरह से रोस्ट करना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हैं, मैंने अभी घी ऐड नहीं किया है क्योंकि जब हम लड्डू बनाएंगे उस समय भी हम बहुत सारा घी डालेंगे। तो अभी हम जो है इनको सिर्फ ऐसे ही रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट करने के बाद हम इनको ठंडा करेंगे। तो पहले इनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने से क्या होता है कि जो तिल का जो कच्चापन होता है वो नहीं आएगा, और हल्का सा जो रोस्ट करने पर किसी भी चीज़ को उसका एक फ्लेवर होता है वैसा आएगा। और रोस्ट करने पे आप देखो जो तिल है ना वो हल्के हल्के से फूल भी जाते हैं, जो नॉर्मल तिल होता है वो चपटा हुआ सा होता है, लेकिन जब हम इसको रोस्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा फूल जाता है। अब ये देखिए ये हमारा हल्का हल्का सा ब्राउन होने लग गया है, तो हम इसको अभी थोड़ा सा और सेकेंगे और फिर सेकने के बाद इसको हम दूसरे बर्तन में निकालेंगे और जो दूसरे वाले तिल हैं उनको हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए तिल हमारा जो है एक बार का भून के तैयार हो चुका है और हमने इसको थाली में डाल के ठंडा करने के लिए रखा हुआ है। सेकंड टाइम का तिल है जो कढ़ाई में पड़ा हुआ है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, जब भी आप तिल को इस तरह से भूनेंगे तो अपने फेस को थोड़ा दूर ही रखना, क्योंकि कई बार तिल क्या होता है जब गर्म होते हैं तो वो एकदम से ऊपर की तरफ उछट कर आते हैं। तो हमें क्या करना है कि अपने फेस को हल्का सा दूर ही रखना है और इसको एकदम मंदी गैस पर ही हमें इसको इस तरह से सेकना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी से जलने शुरू हो जाएंगे। और जब किसी भी चीज़ का आप धीमी आंच पर इस तरह से सेकते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है। तो ये देखिए जलेंगे भी नहीं, और इनमें अगर जल जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा कड़वापन आएगा और आपका जो सारा का सारा जो मिठाई आप जो भी बनाएंगे इनसे वो ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए हमें इसके एकदम धीमे आँच पर ही इसको करना है। थर्ड टाइम का एक लॉट और बचा हुआ है, दो करने के बाद हम इसको फिर रेडी करेंगे। तो अभी देखो तिल जो सिक गए हैं तो इसमें से चटचट की आवाज़ भी आ रही है, देखो कितने अच्छे से आवाज़ आ रही है। तो जब इस तरह से आवाज़ करता है तो इसका मतलब यह है कि तिल जो हमारे सिकने लग गए हैं। तो अब हमारा जो दूसरे लॉट का जो ये तिल हैं ये भी हमारे रोस्ट होके तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको भी थाली में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए, और जो हमारे पास लास्ट लॉट बचा है उसको भी इसमें डालकर अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। अच्छे से इसको चलाते रहना है, ऐसा नहीं है कि आपने इसमें डाल के छोड़ दिया, नहीं तो तिल जो है नीचे से बहुत जल्दी जलने शुरू हो जाएंगे और वो कढ़ाई में चिपकने भी शुरू हो जाते हैं। तो इसको लगातार चलाते रहना है ताकि ये कढ़ाई में चिपके नहीं। अगर ये जलने शुरू हो जाते हैं तो जलने की जो महक होती है बहुत गंदी आती है फिर इसमें से, तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली इसको हमें करना होता है। तो देखिए तिल हमारा भून के तैयार हो चुका है और अभी ये ठंडा हो रहा है। इसके बाद जो है अब हमारे ड्राई फ्रूट्स को जो है भूनने की बारी है। ड्राई फ्रूट्स के लिए हमने घर का बना हुआ, ये देखिए प्योर देसी घी लिया है, तो इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, ये मैंने खुद घर में बनाया है। और अब हम इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, अपने बादाम डालूँगी इसमें, ये देखिए। तो ये देखिए हमारे बादाम घी में डाले जा चुके हैं और अब हम इनको अच्छे से
फ्राई कर लेंगे। ये करने के बाद हमने काजू भी रेडी करके रखे हुए हैं। देखिए मार्केट में जो है ग्रेवी वाला काजू मिलता है तो हमने वही ले रखे हैं ये, और इनको ये हम जो है इनको भी फ्राई करेंगे। इसके बाद हम किशमिश फ्राई करेंगे, कोकोनट फ्राई करेंगे अच्छे से। कुछ रोस्ट होगा, कुछ जो है डीप फ्राई हो जाएंगे, तो जो है इनका फ्लेवर जो है बड़ा अच्छा सा आएगा। तो सबसे पहले हम बादाम को कर लेते हैं। तो देखिए बादाम हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए बादाम हमारे फ्राई होके रेडी हो चुके हैं, अब हम किशमिश डालेंगे। तो अब जो है हम किशमिश फ्राई करेंगे। तो ये देखिए किशमिश भी हमारी तैयार हो चुकी है फ्राई होके, अब इन्हें भी हम जो है प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है, नहीं तो जो ये हैं जल जाएंगी। ये एक दो मिनट के अंदर ही रेडी हो जाती हैं। तो किशमिश भी हमारी फ्राई होके रेडी हो चुकी है, बादाम भी रेडी हैं। अब जो है हम अपने काजू को फ्राई करेंगे अच्छे से। अगर घी की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए काजू भी हमारे फ्राई होके रेडी हो चुके हैं एकदम। कलर भी देखिए इनका चेंज हो गया है, वाइट से अब थोड़ा ब्राउन हो चुका है। तो ये एकदम तैयार है, इनको भी हम बर्तन में निकाल लेंगे। तो अभी हमने क्या किया है, ताज़ा कोकोनट लिया है, तो इसको हमने देखिए तोड़ लिया है। अब तोड़ के हम इसमें से सारा नारियल निकाल लेंगे और छोटे छोटे पीस करके उनको ग्राइंड कर लेंगे। एक दूसरा तरीका ये है कि जो सूखा हुआ नारियल होता है, इसी का जो सुखाया हुआ नारियल होता है, आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर काम करना आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि उसमें से पानी नहीं निकलेगा। बस आपको क्या करना है, इसको छोटे छोटे पीस करके ग्राइंड कर लेना है और फिर इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि मेरे पास अभी वो वाला कोकोनट नहीं है ड्राई वाला, तो मैं ये वाला कोकोनट उसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसका एक ये है कि ये ताज़ा कोकोनट है, ज़्यादा समय लेगा थोड़ा रोस्ट होने में, इसका पानी जलने में। और जो सूखा हुआ नारियल होता है उसके बनाए हुए लड्डू जो होते हैं आप काफ़ी दिन तक चला सकते हैं, जबकि इसमें जो है ये वाले लड्डू ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। तो सब चलिए अब सबसे पहले हम कोकोनट को निकाल लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं कोकोनट को निकाल रही हूँ छोटे छोटे से। ऐसे करने से थोड़ा जल्दी निकलता है कोकोनट, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप किसी भी तरीके के से कोकोनट को निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने इतना कोकोनट निकाल लिया है और बहुत केयरफुली इसको चाकू से निकालना है। आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपके हाथ में ना लग जाए, क्योंकि कई बार नाइफ जो है फिसल के हाथ में भी लग जाता है। तो और एक इसका कटर भी आता है जिससे आप इसको इस तरह से लगा के और ग्रेट भी कर सकते हो, तो आप उससे भी निकाल सकते हो। तो देखिए अभी ऑलमोस्ट हमारा सारा निकल चुका है। ये वाला दूसरा, ये देखिए पहला वाला तो पूरा निकल गया है और अब ये दूसरा वाला है, ये भी निकलने वाला है। तो हमने नारियल को निकालने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाया है। तो ये देखिए ये भी दोनों हमारे अब खाली हो गए हैं। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले इसको धोना है। धोने के बाद इसको साफ़ करने के बाद फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए हम इसकी पानी डाल के अच्छे से धुलाई कर रहे हैं, लेकिन जो सूखा वाला नारियल होता है उसको धोने की ज़रूरत नहीं होती है, आप उसको ऐसे ही डायरेक्ट ग्राइंड करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए नारियल धुल के हमारा तैयार हो चुका है। अब ये ग्राइंडर है, इसमें हमने पहले ड्राई फ्रूट ही जो है ग्राइंड किए हुए हैं।
तो ये देखिए अभी हमने इसको ग्रेटेड कर ली, हमने ये कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है इसको। आप चाहे तो कद्दूकस से इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये कद्दूकस हो जाता है। लेकिन एक बात को याद रखें, जब भी इसको आप ग्राइंड करोगे छोटे छोटे, देखिए इतने छोटे छोटे पीस करके ही डालने हैं, बड़े बड़े पीस नहीं डालने, नहीं तो कसेगा नहीं। मैंने गलती से बड़े पीस डाल दिए थे, देखो मेरा कसा नहीं है, तो इसलिए आपको एकदम बारीक पीस करके ही डालना है, ध्यान में रहे। तो अभी हमारा ये देखिए ग्राइंड हो चुका है, पहले भी एक बार किया था, अभी फिर से हमने किया, और अब हम इसको पूरे को अच्छे से रोस्ट करेंगे। को हमें चलाते रहना है, नहीं तो ये जो है नीचे चिपकना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी होता है इस वजह से। तो हमें इसे अच्छे से चलाना है, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा घी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि सिक्के आए। लेकिन जो सूखा वाला नारियल होता है उसे आप बहुत इजी तरीके से एकदम मक्खन की तरह वो आपका रोस्ट हो जाएगा, उसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। इसको करने में थोड़ा सा रहता है कि ध्यान देना होता है कि चिपक ना जाए, जल ना जाए, तो इसलिए हमें इसको देखिए मैं किस तरह से एकदम नीचे प्रेस करके इसको कर रही हूँ, ताकि नीचे चिपके ना कुछ भी। तो अभी हमारा नारियल जो है अच्छे से रोस्ट हो चुका है, और हमने इसमें थोड़ा घी भी ऐड किया था ताकि ये चिपके ना नीचे। देखिए नीचे कढ़ाई एकदम साफ है हमारी। जो है एक बर्तन में निकाल लेंगे, बस को ठंडा करने देंगे। इस तरीके से हम बर्तन में निकालेंगे। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो हम इसको जो है ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि ये बारीक हो जाएगी, और फिर हम इसको अपने लड्डुओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरे पास मोटी वाली सूजी है, मैं इसको ग्राइंड करने जा रही हूँ। इस तरीके से इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो ये हमारा जो है बारीक वाली सूजी का ही काम करेगा। तो ये देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया है, अब इसे भी जो है हम रोस्ट करेंगे घी डालकर। ये देखिए सूजी भी हमने रोस्ट करने के लिए इसमें डाल दी है। अब इसको घी डालकर हम अच्छे से, जब तक ब्राउन ना हो जाए तब तक हम इसको धीमी आंच पे या मीडियम फ्लेम पे हम इसको मध्यम आंच पर हम इसको इस तरह से रोस्ट करेंगे, जैसे कि हम सूजी का हलवा बनाने के लिए करते हैं वैसे ही हम इसके लिए करेंगे। तो इसके लिए मैं प्योर देसी घी का इस्तेमाल करूंगी। तो ये देखिए इसमें हमारा देसी घी जा चुका है। तो हमारी जो सूजी है वो देखिए रोस्ट हो चुकी है, अब इसे भी हम ठंडा करने के लिए थोड़ा रख देंगे। तो भी आपको चलाते रहना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी जो है नीचे तले में लगना शुरू हो जाती है, तो इसे भी चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये नीचे लगे ना। अगर आप इसको 2-4 सेकंड के लिए भी छोड़ दोगे तो ये नीचे जो है लगनी शुरू हो जाती है, कि लगने का मतलब है कि नीचे जलनी शुरू हो जाती है। तो अभी हमारी हो चुकी है, अब इसको भी हम बर्तन में निकाल के ठंडा करेंगे।